हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उसमें हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले गाइडेंस, फिर देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, फिर आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो देखेंगे, क्या एक्शन लेंगे वो सब हम देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं गॉड से यूनिवर्स से यही दुआ करती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हमेशा खुश रहें, जल्दी से आपका यूनियन हो जाए और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, यही मैं यूनिवर्स से दुआ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहता है। आप गाइडेंस को जरूर देखा करें गाइस, इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलता है, फ्री में आपको गाइडेंस मिलती है, आप कम से कम उसको ध्यान से अगर सुने तो आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आपको एंजल्स कुछ भी साइन दिखाते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको सिंक्रोनिसिटी होती है, अगर आपको फैदर दिखते हैं, अगर आपको विजन दिखते हैं यानी कि स्वप्न के माध्यम से अगर एंजल्स कुछ बताते हैं तो ध्यान से देखिए उसको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ में हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई अभी दिक्कतें चल रही हैं तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। साई बाबा का डेक जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ अभी हो रहा है ना, हलचल हो रही है आपके पेरेंट्स और बीच में, तो ये सब कुछ क्या है, ये आपके कर्मों की शुद्धि के लिए ही हो रहा है। जो गड़बड़ हो रही है, जो भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं, ये सब जो है कर्मों की वजह से ही हो रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करिए, अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करिए और आप जो चाहते हैं ना वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी कि आप अपने पार्टनर को चाहते हैं तो वो आपकी तरफ आएंगे। अगर आप कोई जॉब करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें अपना जो है सक्सेस चाहते हैं तो उसको भी जो है आप मैनिफेस्ट करिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। मौन रहिए, थोड़ा सा कम बोलिए, ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा जो है साइलेंस रहने की कोशिश करें, कम शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है। हजार शब्दों से भी ज्यादा अच्छा है मौन की भाषा। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त तो नहीं, दृढ़ और निश्चय बनिए, यानी कि हम लोगों के लिए अच्छे बन जाते हैं, हम उसका भी काम कर देते हैं, उसका भी काम कर देते हैं, जो भी कहता है उसका काम कर देते हैं, लेकिन हमें जो है इतना अच्छा भी नहीं होना है, लेकिन अपने जो है अपने ऊपर जो है विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ, ठीक है। दृढ़ और निश्चय बनिए, कोई भी काम अगर करना है तो आप जो है संकल्प लीजिए कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर भगवान है, भगवान कौन सी तो है आपकी सोल, तो आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने ब्रह्मांड को तलाश करिए, वो उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए, उसी से ही आपको खुशी मिलेगी। कोई इंसान खुशी नहीं दे सकता, ना भाई दे सकता, ना बहन दे सकती, ना हस्बैंड दे सकते हैं, ना बेटा बेटी दे सकती है, ना पेरेंट्स दे सकते हैं, ना आस पड़ोस के लोग दे सकते हैं, ना रिलेटिव्स दे सकते हैं, कोई किसी को शांति नहीं दे सकता है, कोई किसी के कर्म करने में हेल्प नहीं कर सकता, अपने कर्म तो खुद ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पर यह है कि अगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ जाए और आप अगर आपके कंट्रोल से बाहर अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो आप किसी से हेल्प ले लीजिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपना जो है डिसीजन खुद लीजिए और किसी को उसमें इन्वॉल्व मत करिए, बस सीधी सी बात यह है कि आपका डिसीजन अपना डिसीजन है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये करना है आपको, आगे बढ़ना है। अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। चलिए गाइस, देख लेते हैं कि एंजल्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच फिलहाल क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है उनके बीच में, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, प्लीज मुझे बताइए, एंजल्स गाइड करिए, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है वैनिटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है अभी आपके पास में जैसे
रिकंसिलेशन करने के लिए आए हों, या दो चार दिन में आपसे अच्छे से बात करने लगे हों फोन कॉल पर, या फिर जैसे या चलकर आए हों आपसे बात करते हों और अचानक से आपके पार्टनर के लाइफ में जो है यू टर्न आ गया है, ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में जो है इस तांत्रिक का काम है, कुछ न कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ न कुछ तो ऐसा किया है, जादू टोना किया है आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो तीन लोग मिलकर के ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या उनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी अदर पर्सन हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने मिलकर के आपके पर्सन को कंट्रोल किया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी लेडी से डील कर रहे हैं, तो वो प्रेग्नेंट लेडी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस बाबा के पास वो दवाई वगैरह लेने जाती है, जिस बाबा के पास वो कभी से जाती है, और इसी वजह से आपके पर्सन को उसने कंट्रोल किया था। पहले उनको जो है वो बहुत ज़्यादा चाहती थी, लेकिन आपके पर्सन उनको इतना घास नहीं डाल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस बाबा के पास जा करके उनसे कुछ ऐसा किया कि भाई आपके पर्सन उनके कंट्रोल में आ गई, और अभी वो प्रेग्नेंट भी है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जो है अभी बहुत दुख में है, उनको बेबी हुआ था, हो सकता है कि वो अभी नहीं रहा इस दुनिया में, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही पेन में है, और ये सिचुएशन अभी की मुझे दिखाई दे रही है किसी की लाइफ से तो मैच करेगी, आप देख लेना जिसके साथ भी मैच करती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, जिसके साथ भी रेजोनेट होती है वो देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी शौक मनाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी शौक मनाया जा रहा है, उसको जो है आपके पर्सन देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के, वो लेडी जो है बैठी हुई है, और यहाँ पर उनकी थर्ड पार्टी के फैमिली मेंबर्स अदर पर्सन जो है वो उनको देख रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस लेडी ने जो चाल चली थी ना, इसकी जो बाजी थी ना, ये बाजी हार गई है। और बाजी कैसे हारी? क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो हरेक के पीछे काम करता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस लेडी ने धोखे से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में किया था जादू टोने से, और इस लेडी को उसका कर्मा मिला है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस लेडी को उसका कर्मा मिला है, और ये काफी टाइम से जो है पूजा पाठ करके और जादू टोने कर करके जो है लोगों को अपने चंगुल में फंसाती थी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये लेडी जो है अभी बहुत पेन में है, और ये चाहती थी कि मुझे बच्चा हो जाएगा तो ये पर्सन मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पर्सन ने उसे शादी भी नहीं की हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, और कुछ लोगों के 1-2% लोगों ने हो सकता है कि शादी भी कर ली हो, लेकिन मुझे यहां पर ऐसी वाइब्स आ रही है कि उस लेडी ने आपके पर्सन से शादी नहीं की थी, लेकिन वो करना चाहती थी, वो ये सोच रही थी कि उसने चाल चली थी कि ये बच्चा जब अगर आ जाएगा इस पृथ्वी पर तो वो अपने आप भाग करके शादी करेंगे, क्योंकि वो उनको जो है प्रेशराइज कर सकती है, इसीलिए जो है ऐसा कुछ किया था। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो चालाकी उसने चली थी ना, यूनिवर्स सब कुछ देखता है, यूनिवर्स के आगे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, यूनिवर्स हरेक के पास में है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि उसके साथ में अभी बहुत ही बुरा हुआ है, धोखा हुआ है वो, क्योंकि वो काफी टाइम से ऐसे पर्सन की तलाश में थी जो उसकी जिंदगी को आराम से निकाल दे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब गाइज ये लिखे हुए हैं इनके ऊपर मत जाना, क्योंकि टैरो में जो फोटो होती है ना उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग होती है, लिखे हुए के अकॉर्डिंग भी रीडिंग होती है, सिचुएशन देखी जाती है किस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की ये लेडी काफी टाइम से ऐसे पर्सन को ढूंढ रही थी जो उसकी आराम से जिंदगी चला दे, और आपके पर्सन के पास उसको सब कुछ दिखाई दिया, आपके पर्सन के पास फाइनेंस दिखाई दिया, आपके पर्सन के पास में वो सब कुछ ये देखती थी कि जो इसको जो है चाहिए था, यानी कि आपके पर्सन काफी स्मार्ट है, ठीक है, आपके पर्सन काफी हैंडसम है, और अगर लेडी हैं आपके पर्सन तो भी ये जो है कुछ के पार्टनर ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं तो वो भी यही ढूंढ रहे थे। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले में पड़ गए हैं, कि उदास हो रहे हैं कि मैं जिनके चंगुल में फंसा था ना वो तो उल्टा ही उनके सर आ गए हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले तो उनको समझ में आया कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत दुखी हो रहे हैं और वो अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर भी खुशी नहीं प्राप्त कर सका। हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स के बच्चा ना हो, या फिर हो भी तो वो आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन दोनों ही नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये भी जो है आपके पर्सन भी उस लेडी को काफी टाइम से चाहते थे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता था कि ये लेडी के पास मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर खुशी इस लेडी के पास है, ऐसा वो देखते थे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन को भी बहुत झटका लगा है और वो आइसोलेशन में चले गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, जिसके चक्कर में वो थी, जिस को हथियार बना करके वो आपके पर्सन के ऊपर चलाना चाहती थी, मतलब जो निशाना लगाना चाहती थी वो तो निशाना जो है वो अब रहा ही नहीं है, वो हथियार तो रहा ही नहीं है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि
अभी वो बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा सैड की एनर्जी में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी उसको अपने अबंडेंस की चिंता है कि जो पैसा मुझे इस पर्सन से मिलना चाहिए था वो अब मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोच रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर जो है लेडी का भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि कोई लेडी हो, तो ऐसे पर्सन के चंगुल में फंस गए कि जिनके पास फाइनेंस बहुत था और उनके बच्चे भी थे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी जो वाइफ है ना वो उनको भी धोखा देकर के कहीं और निकल गई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उस पर्सन को दुख ये हो रहा है कि उनका कुछ पैसा वो हड़प कर ले गई है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन ये एक दो पर्सन के साथ ही रेजोनेट होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी वो पर्सन जो है अपना रो रहा है बैठ करके, सर पकड़ पकड़ करके, और वो काफ़ी अपने काम में बिजी भी हो रहा है कि मुझे और जो है मेहनत करनी चाहिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो उसको झांसा देकर के भाग गई है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को वो जो है सोलमेट समझता था या और जो लेडी है वो समझती थी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी की भी ठीक से जो है गृहस्थी नहीं चली, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों ही सैड की एनर्जी में बहुत दुखी हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँ जिनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका मैं बताना चाहूँ, तो यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि क्योंकि इन दोनों को तो कर्मा मिल गए हैं, यहाँ पर मैं फैमिली मेंबर्स की बताऊं तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं जिनके पार्टनर एक या दो ही हैं, ठीक है, तो उनके फादर हो सकती है या मदर हो सकती है या उनके जेठ देवर हो सकते हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि वो उनको जो है भूख शांत नहीं हो रही है आपके पार्टनर के फाइनेंस को लेकर के भी, और वो अपनी चालाकियां चल रही हैं और आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन जो है उनके साथ रात दिन काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका जो है आउटकम नहीं मिलता है जितना वो कमाते हैं। ये कहते हैं कि बाद में दे देंगे ना, बाद में हिसाब कर लेंगे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत हर्ट हो रहा है, आपके पर्सन बहुत ही आइसोलेशन में जा रहे हैं क्योंकि वो आपके पास आए तो फाइनेंस नहीं है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका फाइनेंस वहाँ पर अटका पड़ा है और वो देते नहीं है। और आप मेरे व्यूअर्स भी ऐसे परिवार में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो आपके पार्टनर का फाइनेंस जो है वो देते नहीं है और आपके पर्सन जो है उनको छोड़ करके आपकी तरफ जाते नहीं है। या तो हो सकता है कि आप अपने मायके में ही हो सकते हैं, ठीक है, और आपको वो कभी लेने ही नहीं आते। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन ने शादी की और वो अपनी फैमिली के साथ ही हैं, लेकिन जो है उनके पेरेंट्स ने उनको बहका दिया कि भाई तुम अब जो है इसको नहीं लेकर आओगे या इसको जो है आप अपने साथ नहीं रख सकती हैं, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक रुपए तक नहीं देंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों मेरी व्यूअर्स, और आपको आपके पर्सन ने छोड़ दिया, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, सब कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो जाकर भी नहीं देखते हैं, लाने के लिए भी नहीं सोचते हैं कि आपको लेकर आए। बच्चा अगर आपके पेट में पल रहा है तो उसको लेकर आए, मेरा ही बच्चा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पेरेंट्स के बहकावे में वो चल रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जब भी थोड़ा बहुत आपके बारे में सोचने लगते हैं तो उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, तो ये फैमिली मेंबर्स को पता चल जाता है कि ये अपने पार्टनर के बारे में सोच रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो उनको जो है बताते हों कि मुझे अब उनको ले आना चाहिए, काफी टाइम हो गए हैं, ठीक है, मुझे अपने बच्चे का भी ख्याल करना है। लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स उनको जो है यही कहते हैं कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बेदखल कर दिया जाएगा और तुम उसको हमारी फैमिली के बीच में नहीं लेकर आओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके सास ससुर आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो है फाइनेंशली स्टेटस इक्वल ना हो, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही, या कास्ट रिलीजन इशू भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर कई सारी सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, जैसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है वैसी ही मैंने बता दी है। और अब आपके पर्सन क्या कर सकती है, आपके पर्सन अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं फिर अपने काम पर बिजी हो जाते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो किसी से पूछने के लिए जाना चाहते हैं कि अभी वो किस हाल में है। हो सकता है कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हों, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो उनसे पूछते हों कि भाई हमारी लाइफ कब शुरू हो सकती है, या मेरा पार्टनर जो है वो ठीक है कि नहीं है, वो किसी और के साथ तो एंगेज नहीं है, उसने किसी और को तो नहीं चुन लिया है मेरे ऊपर से। तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत टेंशन में हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन मुझे बहुत ही क्रिटिकल दिखाई दे रही है, लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपने डाइवोर्स के लिए उनको कहा हो कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, और ये तड़फ रहा है अभी एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहा है कि मुझे बताइए प्लीज क्या सिचुएशन है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियर कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है और वो खुशी ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं तो
खुशियां मिले, कहीं तो खुशियां नसीब हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब हम किसी के साथ छल कपट करते हैं तो खुशियां कहाँ से मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद में तुम्हारे ऊपर भी कहर टूटेगा, लेकिन उस चीज का वो सोचते नहीं है। अंदाजा जब होता है जब खुद के ऊपर पहाड़ गिरता है दुखों का, ठीक है, तो तब एहसास होता है कि हमने किसी के साथ कितना बुरा किया था। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर इनको कर्मा मिल रहा है, तो आप टेंशन ना ले। अगर कोई भी किसी के साथ बुरा करता है उसको उसका कर्मा जरूर मिलता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, 30 मार्का, ठीक है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे कोई भी है, जो जिसके साथ बुरा करता है उसको उसका कर्मा जरूर भुगतना पड़ता है। अगर किसी को इस जन्म में नहीं मिलता है, किसी किसी को तो तुरंत मिल जाता है, और किसी को इस जन्म में नहीं मिलता है तो नेक्स्ट जन्म में उसको जरूर भुगतना पड़ता है। तभी तो आपने देखा नहीं कुछ लोग कितने पेन में रहते हैं, और ये कहते कि, और ये कहते भी सुना होगा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो एक चींटी भी नहीं मारी अपने पैर से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा ही होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन उस टाइम इंसान ये भूल जाता है कि मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूं तो कल को ये रिटर्न में मुझे भी मिलेगा। हम सब भूल जाते हैं, हम अपने ईगो में आ जाते हैं, हम अपने जो है अपने धौंस दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, तो मैं किसी को जो है कुछ समझूंगा ही नहीं। इस तरह की इंटेंशन इंसान की हो जाती है तो फिर उसको पता नहीं चलता कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस आप टेंशन न ले, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, जस्टिस जरूर मिलेगा, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, ठीक है। अभी किसकी रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, वो हम देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, जिसकी भी एनर्जी पिक होगी मैं यहाँ पर बता दूंगी, ठीक है। अब वो किसकी होगी वो देख लेना। नई बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने आप कार्ड निकल कर आया, देखिए गाइस मैनिफेस्ट भी कर रही हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अकल ठिकाने आ गई, मूव ऑन करके गए थे आपसे। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है, या आपने मूव ऑन कर लिया हो और आपके पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन ला सकते हैं, ठीक है। फिजिकली वो आपके पास आ सकते हैं, हर्मिट मोड में हैं, वो अपने आप में जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। देखिए आपको जस्टिस मिलेगा गाइज, वेरी नाइस, मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब इतना बुरा करने के बाद में अगर आपको जस्टिस मिलता है ना तो कितना सुकून मिलता है। मुझे आपकी रीडिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको जस्टिस मिलता है ना, और आपकी एक नई स्टार्ट होती है या आपको कोई खुशी मिलती है ना, तो उसमें मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है। और जब आपकी जब खराब रीडिंग आती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं एकदम अपने जो है हाई पावर में जाती हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो इस तरह से। पता नहीं मुझे क्यों होता है ऐसा अचानक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ और मुझसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है इसी वजह से। देखिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है गाइस, ठीक है। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, वेरी नाइस गाइस, देखिए देखिए चैरियट, और लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अभी फिलहाल, आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये समस्या है आपकी लाइफ की। और फूल का कार्ड, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के जेठ देवर हो सकते हैं, किसी के फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो सकते हैं, किसी के ननद हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं आगे का क्या रीडिंग निकल कर आती है। देखिए गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मेरी व्यूअर्स जो हैं वो मूव ऑन कर गए हैं अपने पार्टनर से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कार्ड बता रहा है आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन हर्मिट मोड पर हैं, वो अपने आप में झांक रहे हैं, अपने रास्ते को खोज रहे हैं कि मेरे सोल का पर्पज़ क्या है, मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, मुझे करना चाहिए वो, ठीक है, यानी कि मुझे अपने कर्मा करने चाहिए और जो भी मेरा सोल का पर्पज़ है उसको मैं कंप्लीट करूं, यहां पर ऐसा सोचा जा रहा है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा जो है गॉड से प्रे कर रहे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर दीजिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ उथल पुथल हुआ हो या रिसेंट पास्ट में हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक शुरुआत करके वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस एंजल्स अपना काम कर रहे हैं। आप मूव ऑन कर गए थे इसलिए जो है आपकी एनर्जी में अप्स एंड डाउन्स आए, आप काफी इमोशनली आपने फैसला लिया, ठीक है, कि आपके पर्सन आपको कोई
जो है कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, आपके पर्सन आपकी बात को सुनते ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या? आप मूव नहीं करेंगे और क्या करेंगे? तो यहाँ पर एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, एंजल्स जो है एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हों, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, आप उनसे बात करने के लिए गए और आप ये सोच रहे कि मेरी सोल का पर्पस कैसे पूरा होगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इससे पहले तो आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो डिसाइड करेंगे और आपकी तरफ हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। चैरिट का कार्ड है, चैरिट पर सवार होकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपकी याद में म्यूजिक सुन रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कैंसर राशि के हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, सजिटेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, कैंसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लिब्रा मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहा है, एरीज हो सकती है आपके पर्सन, ठीक है, लियो हो सकते हैं, सजिटेरियस तो यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सारे ही साइन मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्पेसिफिक साइन जो मैं बताऊँ तो यहाँ पर मुझे कैंसर, सजिटेरियस, लिब्रा और हो सकता है कि स्कॉर्पियो, इस टाइप के एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वैसे आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे ही साइन बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं भी सारे साइन। ठीक है, अभी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक होगा, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का काम है यहाँ पर। और गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी के भी भैया भाभी हो सकते हैं, जेठ देवर हो सकते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो सही से आपसे बिहेव नहीं करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, सबको साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में शांति आए। ठीक है, वो आपके साथ में नई शुरुआत करने की भी सोच रहे हैं और वो आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ देना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से भी आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये पर्सन नहीं चाहता, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, और आपके पर्सन जो है आपके साथ नई शुरुआत करके हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपना विश कम ट्रू मानते हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए, ठीक है, तो आपको जस्टिस तो मिलेगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए यूनिवर्स काम कर रहे हैं, एंजल्स काम कर रहे हैं, तो जस्टिस जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए, पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा पेशेंस रख करके चले, सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और यूनिवर्स गॉड से मैं यही प्रे करती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप खुशी से झूमते रहें। ठीक है, यही मेरी जो है यूनिवर्स से प्रे है, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। Thanks for watching. Till next video, take care. Bye-bye.